आइए तो जातीय क्षेत्र संबंध में आपसे क्या होता है, देखो थोड़ा सा बता देते हैं तुम लोग को। जब भी ये बात करेगा ना कि देखो, जब भी कोई बात आपसे पूछे तो कहेंगे कि जर्मनी के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक, जर्मनी एक देश है, वहाँ के एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम सबको याद होगा, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। पहले समझना है, पहले समझा रहे, जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक है जिनका नाम है, जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वान, वान हम्बोल्ट, वान हम्बोल्ट, ये वैज्ञानिक का नाम है, ठीक है। जर्मनी के एक वैज्ञानिक है जिनका नाम आप देख रहे हैं, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। और अलेक्जेंडर जो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था, उसने अमेरिका के जंगलों में घूमा, जंगलों में घूमने के बाद सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण का मतलब होता खूब उसको खोजबीन किया, और खोजबीन करने के बाद उसने ये कहा, क्या कहा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वान ने, कि किसी भी क्षेत्र में, सुनो ध्यान से, किसी भी क्षेत्र में जो जीव होते हैं उसको वृद्धि की एक सीमा होती है, उसकी वृद्धि की क्या होती है, एक सीमा होती है। उसने ये कहा कि किसी भी, सुनो ध्यान से, किसी भी क्षेत्र में जो जाति विविधता होती है, जो जीवों की वृद्धि होती है, वो एक सीमा तक ही बढ़ेगी, उसके बाद से वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। जरा देखो, समझो, मान लो तुम्हारे पास एक गमला है, गमला, गमला के नाम सुने हैं, ये मान लो गमला है इस तरीके से, और आपने क्या किया, इस गमला में कुछ पौधों को लगा दिया, कुछ पौधों को लगा दिया, मान लो 100 पौधा का आपने लगा दिया, 100 पौधा का आपने क्या कर दिया, लगा दिया। ये बताओ, 100 पौधे, मान लो हो सकता है कि 100 पौधे से कुछ बीज हो जाए, गिरे तो 100 से, मान लो कि 150 हो गए, 200 हो गए, क्या इसमें 200,000 पौधे रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं, 200,000 पौधे रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधों के वृद्धि के एक निश्चित सीमा होती है, पौधों की वृद्धि के क्या होती है, सीमा होती है। माने अगर कोई छोटा सा अगर स्थान है, वो छोटा सा स्थान में आज 4 पौधे हैं तो कल 5 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, लेकिन वहाँ 200,000 तो नहीं हो सकते, 20,00,000 तो नहीं हो सकते। तो उसी को हम लोग कहते हैं जातीय क्षेत्र संबंध। जातीय क्षेत्र संबंध के बारे में क्या, जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, वो अमेरिका के जंगलों में गए, अमेरिका के जंगलों में उसने कई क्षेत्र देखे, कई उसने निष्कर्ष निकाले, और कहे अंत में कि कोई भी पौधा है या कोई भी क्षेत्र है, वहाँ पर पौधों का जो वृद्धि होता है सीमित होता है, एक निश्चित मात्रा के बाद पौधे वृद्धि नहीं करते, तो उसी को हम लोग कहते हैं जातीय क्षेत्र समान। जैसे अगर आप गमला है, गमला में आज 10 पौधे लगाएं तो कल 15 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, लेकिन 200,000 तो नहीं होंगे, क्योंकि गमला के एरिया कितना है, इतना ही है, इससे तो अधिक नहीं हो सकते। बोले समझते चला, ठीक है ना। और इसने ये भी कहा कि इसके अनुसार जो जातीय समृद्धि वृद्धि होती है, उसने एक आयताकार और अति प्रवलय के रूप में होती है, आयताकार और क्या होती है, अति प्रवलय के रूप में होती है। और इसी ने एक दिया था एक समीकरण जिसका नाम होता है यस बराबर, याद करो, यस बराबर सी ए स्क्वायर, यस बराबर क्या होता है, सी ए स्क्वायर, यस बराबर सी ए स्क्वायर। अच्छा एक काम करो, दोनों पक्षों में लाग ले लो, दोनों पक्षों में लाग ले लो, दोनों पक्षों में का ले लो, लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो लाग यस, लाग यस बराबर लाग सी प्लस जेड है, ये जेड है, ठीक है, जेड आगे आ जाएगा, जेड लाग ये हो जाएगा, ये भी एक समीकरण होता है, ये भी क्या होता है, समीकरण होता है। ध्यान रखना पहले, अब कौन क्या है थोड़ा मैं तुम लोग को समझा देता हूँ। ये इसने सिद्धांत दिया था, देखो ध्यान से, उसने क्या कहा कि यहाँ एक ग्राफ उसने खींचा, ग्राफ में नीचे क्षेत्र लिया, नीचे का लिया बाबू क्षेत्र लिया, और यहाँ पर का लिया उसने जातीय समृद्धि लिया, जातीय समृद्धि लिया, नीचे उसने क्षेत्र लिया, किसने लिया, किसने लिया, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने लिया, और क्षेत्र, क्षेत्र मैंने क्या होता है एरिया, कितना जगह है, और जातीय समृद्धि, कितना जातीय वृद्धि करती है। तो उसने देखा कि एक एक देखो इसी को हम लोग कहते हैं आयताकार, इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयताकार,
और उसके बाद उसने लिखा कि देखो ध्यान से कि शुरुआत में देखो किस तरीके से वृद्धि हो रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है, इसे ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, ये जातीय समृद्धि के बारे में दिखा रहा है, लगातार वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, बाद में जाके वृद्धि कम होता है, देखो नीचे ग्राफ अब गिरता चला जा रहा है, तो वृद्धि क्या होता है, कम हो जाता है, यानी इसका मतलब होता है ये वृद्धि को बताता है, वृद्धि है ये, इसको हम लोग कहते हैं अति प्रबलय, इसको क्या कहते हैं हम लोग अति प्रबलय, ठीक है। और कवन क्या है ये भी तो हम लोग जाने, कवन क्या है, यश को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, और ए को क्या कहते हैं, जेड को क्या कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखो उसने ग्राफ खींच कर दिखा दिया, ग्राफ खींच कर क्या कर दिया, दिखा दिया, इसके बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो बता सकते हैं। देखो तो आप बता देंगे कि जो यश है उसको जातीय समृद्धि कहते हैं, जहाँ लिख सकते हो, जहाँ यश का है बाबू जातीय समृद्धि है, यश क्या है जातीय समृद्धि है, और सी क्या है, सी जो है आपका अंतःखंड यानी वाई, जिसको आप अंतःखंड लिख सकते हैं, सी को अंतःखंड कहते हैं, सी को अंतःखंड कहते हैं, ये तो जानते वाले एरिया, ए का मतलब क्या होता है एरिया, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, और जेड है, जेड को हम लोग कहते हैं रेखीय वक्र या ढाल, रेखीय वक्र या ढाल। एक बार समझो हम लोग आज किसकी शुरुआत की है, हम लोग शुरुआत की है आज जातीय क्षेत्र संबंध, यानी जातीय और क्षेत्र में क्या संबंध होता है। तो हमने कहा कि अमेरिका जर्मनी के एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, और इसने क्या किया, पूरा अमेरिका के जंगलों में गए, अमेजन जंगल का नाम आपको बताए थे हम कल, वहाँ उसने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद कहा कि जो जो माने पौधे होते हैं वह किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं और उनकी वृद्धि एक निश्चित सीमा तक ही होती है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाएगी। आपको छोटा सा एग्जांपल बताएं कि अगर आप गमला ले लें और उस गमला में अगर आपने 10 पौधा लगा दिया तो 10 से 20 बन जाएंगे, 30 बन जाएंगे, 40 बन जाएंगे, लेकिन 10 से 100,000 पौधे नहीं बन सकते हैं। माने वृद्धि एक समय के बाद क्या होती है, जा करके धीमा हो जाती है, रुक जाती है। उसने ग्राफ दे करके बताया, कहा कि अगर हम लोग क्षेत्र ले लें और जाति समृद्धि के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो हम देखते हैं कि देखो यही है कि शुरुआत में जो जातीय वृद्धि होती है वो बढ़ती है, बाद में जाकर क्या होती है, घट जाती है। अब ये नीचे ग्राफ गिरा, देखो जब ऊपर जाएगा ना, ऊपर जब जाएगा तो बढ़ रहा है, और जब नीचे गिरना शुरू करेगा तो घट रहा है। खैर भाई इधर ऊपर जाएंगे तो बढ़ता है ना, तो नीचे देखो यहाँ तक तो बढ़ रहा है, सही बात है, अब यहाँ से नीचे आ रहा है, जब ये नीचे आ रहा है तो क्या होगा, घटेगा, क्योंकि अब उसका माने एक निश्चित सीमा तक की वृद्धि हुई, यहाँ तक वृद्धि हुई उसके बाद से नीचे गिरना शुरू हो जाता है। उसके लिए इसने एक नियम दिया, एक समीकरण दिया, यस बराबर सी ए सी जेड, यस बराबर सी ए को पावर जेड है, याद कर लो सी क्या है, यस का है, यह तो आपका देखिए यहाँ पर लिखा गया है जातीय समृद्धि है, सी क्या है अंतःखंड है, ए का है एरिया है, जेड आपका क्या है, हाँ देखिय ढाल का है, करेगा देखिय ढाल कहते हैं जो दिखाई देगा, जो सीधा रेखा खींचा गया, ठीक है। अगर लाग रूप में लिखते हैं तो देखो इसके आगे भी लाग आ जाएगा, लाग यस भाई, लाग सी हो जाएगा, जहाँ गुणा है तो प्लस, आघात पहले होता है जेड लाग ए आ जाता है, तो लाग के रूप में भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, थोड़ा सा लिख लीजिए तब इसके बारे में उतार लीजिएगा आप। जातीय क्षेत्र संबंध है, चला आगे बढ़ते हैं, ऐ तो जाने ना कि जितने भी जीवधारी होते हैं कि नीचे सीमा तक की वृद्धि होती है, उसके बाद से इसमें वृद्धि नहीं होती है। चलो अगला हेडिंग आ जाओ, जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, देखो लिखा है किताब में, देखो जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, जातीय विविधता का परितंत्र में महत्व, परितंत्र में महत्व, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, द इम्पोर्टेंट ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज स्पीसीज डिवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, डिवर्सिटी टू द इको सिस्टम, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डिवर्सिटी टू द इको सिस्टम,
देखो ध्यान से पहले इसके बारे में कुछ बातों को समझते हैं हम लोग। पारितंत्र के लिए जो जातीय विविधता होती है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें होते हैं जिसके निम्नलिखित प्रकार होती है। जब ध्यान रखना जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व क्या क्या महत्व है तो लिख लो जातीय विविधता का पारितंत्र में निम्नलिखित महत्व है। जातीय तुमको स्कूल में पढ़ाया गया है ना का? ये पाठ जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व पहला लिख लेना अधिक उत्पादक। अधिक उत्पादकता देखो ना किताब में तुम्हारा हेडिंग बनाया है कहीं अधिक उत्पादकता मिला मिला मोर प्रोडक्टिविटी मोर प्रोडक्टिविटी मोर प्रोडक्टिविटी। देखो प्राकृतिक एक वैज्ञानिक है पहले समझना इसमें माने बहुत अधिक उत्पादन करना। देखो आपका हेडिंग है जातीय विविधता का माने जो जातीय विविधता है जो जातियों के अंदर डिफरेंट टाइप आ जाते हैं उससे पारितंत्र में क्या महत्व है इसके बारे में तो जातीय विविधता के पारितंत्र महत्व पहला अधिक उत्पादकता। अधिक उत्पादकता माने अधिक से अधिक देखो प्राकृतिक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम देख लो ध्यान से जिनका नाम है डेविड टिलमैन। देखो लिखा होगा तुम लोगों ने एक पहले समझो एक प्राकृतिक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डेविड टिलमैन। इस डेविड टिलमैन ने ये बताया है कि क्षेत्र में जितने अधिक जातियां पाई जाती है उस क्षेत्र की उत्पादकता भी उतना ही अधिक होती है और यदि जातियों की संख्या स्थिर रही तो क्षेत्र के जैव भार में भी स्थिर कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह वैज्ञानिक है जिनका नाम आप देख रहे हैं यहाँ पर डेविड टिलमैन। इसने ही कहा कि जितने अधिक जैव विविधता रहेगी यानी जितने अधिक जीव किसी क्षेत्र में उत्पन्न होंगे उतना ही अधिक उसमें क्या होगी उत्पादकता होगी उत्पादकता का मतलब होता है जानते हो किसी पदार्थ का उत्पन्न करना। अच्छा मान लो कि अगर किसी जंगल में 10 शेर रहते हैं तो वह अगर हिरण को खाते हैं 20 हिरण को खाते हैं तो अगर वहाँ पर 20 शेर हो जाएंगे तो क्या होगा हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी। अब कैसे बढ़ेगी बताते सुनो बतिया। अब वो 10 शेर दूसरे जगह चले जाएंगे उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे तो पूरा क्षेत्र अब शेरों का हो जाएगा। तो पहले हिरण यहाँ पर मान लो 20 थी तो जहाँ 10 गए वहाँ पर तो कुछ ना कुछ हिरण होगी तो उत्पादकता क्या होती है बढ़ जाती है। लिख लो इसमें तनी अधिक उत्पादकता में लिखो सर्वप्रथम चलो स्थिरता अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टेबिलिटी। देख लो इसका मतलब क्या होता है अस्थाई। देख लो इसी ने टिलमैन के अनुसार जातीय विविधता किसी क्षेत्र में जातीय विविधता जितने अधिक होती है वहाँ पर स्थिरता उतना ही अधिक होता है यानी वहाँ का क्षेत्र उतना ही अधिक अस्थाई होता है। जहाँ पर जातीय विविधता कम होती है वहाँ पर स्थिरता भी क्या होता है कम होता है। तो लिख लो टिलमैन के अनुसार जिस क्षेत्र में जातीय विविधता जितने अधिक पाई जाती है वहाँ का पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होता है। टिलमैन के अनुसार यदि जिस क्षेत्र में जातीय विविधता जितने अधिक पाई जाती है वहाँ का पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होता है।
पारितंत्र उतना ही अधिक अस्थायी होता है। तीसरा आ जाओ, तीसरा प्रास्थित की स्वस्थता, प्रास्थितिक स्वस्थता जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम हेल्थ, देखो अच्छा एक बात बताते हैं कि जाति विविधता वाले पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला स्थापित होती है और जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। याद करो जातीय विविधता में जितने भी जीव होते हैं एक दूसरे पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। खाद्य श्रृंखला का नाम सुने होंगे आप लोग, क्या होता है बताएंगे आप लोग, पहले इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए तब आपको खाद्य श्रृंखला बता रहे हैं। देखो प्रास्थित की स्वस्थता में लिखो इस पारितंत्र में जितने भी जीवधारी होते हैं, वह जीवधारी भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जिससे प्रास्थित की स्वस्थता कहते हैं, और पारितंत्र को बनाते हैं, एक पहले बात समझना है तुम लोगों को, खाद्य श्रृंखला आया देखो कोई आपसे पूछे खाद्य श्रृंखला क्या होता है तो क्या बताएंगे। अच्छा मान लो पेड़ पौधा का नाम सुने होंगे आप, पेड़ पौधा को कौन खाता है, मान लो टीटा खाता है, टीटा का नाम सुने आप लोग, टीटा को कौन खाता है, टीटा को मान लो मेढक खाता है, मेढक कौन खाता है, मान लो सांप खाता है। खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि जब अपने भोजन के लिए एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर रहता है और वह एक श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला, खाद्य माने होता है भोजन और श्रृंखला का मतलब होता है सरल रेखा, माने भोजन के लिए, सुनो ध्यान से, भोजन के लिए जो जीव होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े होते हैं इसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला कहते हैं, खाद्य माने होता है भोजन। मान लो पेड़ पौधा का नाम सुने होंगे, जो पेड़ पौधा होता है अपना भोजन किससे बनाता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाता है ना, सूर्य के प्रकाश से बनाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। और इसको देखो मान लो कि जंगल में जाओ तो जंगल में छोटे छोटे पौधे मिलेंगे, जितने पौधे मिलेंगे उसको हम लोग कहते हैं उत्पादक। है इधर सुनो सब लोग देखो, इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पादक। इस पौधा को कौन खाता है, टीडा। अगर पौधा नहीं रहेगा तो टीडा मर जाएगा, जान जाओ पौधा नहीं रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो टीडा मर जाएंगे, तो इसको उत्पादक कहते हैं। और इस टीटा को हम लोग कहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, जो इसको शाकाहारी भी कहा जाता है, जानते होंगे, जो केवल पेड़ पौधों को ही खाता है। पेड़ पौधा तो जंगल में उसको उत्पादक कहेंगे क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और टीटा जो होता है पेड़ पौधों को खाता है, यानी घास वगैरह खाता है, तो टीटा आपका होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अगर अगर पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो टीटा मर जाएगा, समझ रहे हो। अब टीटा को हटा दो, टीटा को नष्ट कर दो, तो पेड़ पौधों की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी, कोई इसको खाएगा ही नहीं। अब एक टीडा जो है, इस टीडा को मेढक खाता है, भाई टीडा को कौन खाता है, मेढक। टीडा माने जानते हो, सुगा, सुगा को टीडा कहते हैं। अगर ये टीडा जो है टीडा इसको हटा दोगे तो कितने मेढक मर जाएंगे जो टीडा खाते हैं वो, तो इसी को पारितंत्र। अब मेढक को कौन खाता है, सांप। मेढक नहीं रहेगा तो सांप क्या खाएगा, कुछ और भी तो खा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे मान लो कि अगर 10 सांप हैं, 10 मेढक को खा रहे हैं ताकि 10 तो मर जाएंगे ना, जहाँ सुन की मेढक की प्राप्ति, तो अगर इसमें से किसी का भी कम बेसी हुआ, संख्या घटा या बढ़ा, तो समझो पारितंत्र जो होगा स्थिर नहीं रहेगा, उसी को कहते हैं खाद्य श्रृंखला।
तो लिख लेता नहीं खाद्य श्रृंखला के बारे में। जब जीवधारी भोजन के लिए